टेक राउंड रिपोर्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुनीत भारद्वाज, आज हम पहुंच चुके हैं शहीद राजेश पारक गोरखपुर के अंदर। यहाँ आप पूछेंगे अपने धर्मवीर जी से क्या विशेष है। हाँ जी धर्मवीर जी, क्या विशेष अभियान था जी ये? आज जो अपने ब्लॉक समिति मेंबर है संजय शर्मा और राधा राम जी, उनके द्वारा अपने शहीद राजेश कुमार पार्क और शहीद पाल, इन दोनों पार्कों में ये खजूर के वृक्ष हैं जो लगाए जा रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और आपने संजय शर्मा और राधा राम जी ने जो ये सराहनीय काम किया है, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा काम किया है। और जी प्रकार धर्मवीर ने बताया कि खजूर के कुछ पौधे इधर शहीद सतपाल पार्क और शहीद राजेश पार्क में लगाए गए हैं, और सभी मित्रों से भी कहना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को बचाने के लिए पौधा रोपण जरूर करें। हाँ जी राजा राम जी, बताइए क्या विशेष आज का? जो अपने जो पौधे आए हैं इसमें अच्छे एकदम बढ़िया डेकोरेशन के पौधे हैं, इतने हाइट भी अच्छी है, जितने ज़्यादा उसमें और भी आने पौधे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रही, जितने पौधे गांव में लगाए गए कोशिश पूरी रही। ये पौधे तीन पार्कों में लगाए थे? तीन पार्कों में लगाएंगे, ए दो दिन है किसान साधु राम वहाँ पे, वैसे चार दीवारी पर निकली है, जैसा देख लो कैसा रहेगा, लग जाएंगे वहाँ भी लग जाएंगे और भी आएंगे पौधे और भी। लगभग कितने पौधे और गाँव में इतने टारगेट मार थे? पौधे तो लगभग 100 के करीब, 70 पौधे आए हुए हैं, वैसे 100 के करीब लगने हैं। इस प्रकार राजा राम ने बताया कि विभिन्न किस्मों के अलग अलग पौधे और भी ज़्यादा लगाए जाएंगे। हाँ जी संजय जी, क्या कहना चाहोगे विशेष कार्यक्रम के लिए? हम धन्यवाद करते हैं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह डुगली जी का, जिन्होंने ब्लॉक समिति की तरफ से ये पौधों का ग्रांट जारी किया है। शहीद राजेश पार्क में पौधे लगाए गए हैं, शहीद सतपाल पार्क में ये खजूर के पौधे लगाए गए हैं, और किसान शहीद साधु राम शर्मा जी पार्क में ये पौधे लगाए गए हैं। इसके लिए हम पूरी पंचायत समिति का बार बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। तो जिस प्रकार संजय ने बताया, राजा राम और धर्मवीर जी ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, और अभी ये जो पौधे हैं इन पार्कों में लगाए जाएंगे, तो आगे की ठीक व्यवस्था देखकर वहाँ फिर पौधारोपण किया जाएगा।